जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 5 अगस्त को राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होने वाला है और इसका पूजन करने के लिए स्वयं माननीय नरेंद्र मोदी जी वहां उपस्थित होंगे 5 अगस्त को। और इस मंदिर का पूजन करने के पहले करीब 200 फीट की गहराई में टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टाइम कैप्सूल क्या होता है, किस चीज़ से बना होता है और इसे क्यों यूज़ किया जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरी अदर वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसे भी देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आइए दोस्तों, आज की ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ टाइम कैप्सूल की। टाइम कैप्सूल एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें किसी भी जगह या ज़मीन या किसी भी चीज़ का उसका पूरा भूगोल, उसका पूरा इतिहास, सारी चीज़ें उसमें लिख के उसको ज़मीन में दबाया जाता है। अयोध्या राम जन्मभूमि मंदिर जो बनने वाला है 5 अगस्त से, जिसका जो शुरू होगा, उस जन्मभूमि मंदिर के ज़मीन के 200 फीट नीचे गहराई में वो टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। ये देखने में स्टील का लग सकता है, लेकिन ये एक ऐसा मेटल या एक ऐसा प्रोडक्ट आप इसको कह सकते हैं जो 5000 साल तक या 500,000 साल तक आप कह सकते हैं ये वैसे का वैसा ही रहेगा ज़मीन में। ये गल नहीं सकता, ना इसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो इसमें राम जन्मभूमि की मंदिर की सारी चीज़ें लिखी जाएंगी कि क्यों बनवा रहा है, कैसे बन रहा है और इसका इतिहास क्या है, इसका भूगोल क्या है, ये क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें उसमें लिख के सारे एक तरह से सारे आर्ग्यूमेंट्स राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में जितने भी हैं वो सब उसमें रख के 200 फीट की गहराई में उसे रख दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है कि आगे बहुत सालों बाद या बहुत युगों बाद या कई हज़ार सालों बाद जब ये मंदिर फिर से मान लीजिए कोई तोड़े या कभी यहाँ पे खुदाई उदाई हो तो जब ये टाइम कैप्सूल उसमें से निकले तो उस वक्त की पीढ़ी ये देख के जान सके कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये मंदिर था, इसको किसने बनवाया था, इसका इतिहास भूगोल सब क्या है, ये चीज़ वो पढ़ सके खुदाई के दौरान। ठीक है, खुदाई करने के बाद उन लोग को ये कैप्सूल मिलेगा और कैप्सूल में से ये सारी चीज़ें मिलेंगी कि ये किस लिए था, ये मंदिर यहाँ पे क्या था। अब जैसे हम लोग कभी खुदाई करते हैं तो हम लोग को जो राम जी के फॉसल्स मिले हैं तो हम लोग को क्या पता चला कि यहाँ पे राम जन्मभूमि मंदिर थी या अयोध्या में उनका मंदिर हुआ करता था, इससे हम लोग को पता चलता है खुदाई से। और टाइम कैप्सूल भी इसीलिए होता है कि आगे चल के जब वहाँ खुदाई होगी राम जन्मभूमि मंदिर के पास तो लोगों को ये पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह का मंदिर था, क्या चीज़ थी, इसीलिए टाइम कैप्सूल बनाया जाता है। और ये ट्वीट देखिए, इस ट्वीट में ऐसा लिखा है कि इंदिरा गांधी ने भी लाल किले के नीचे टाइम कैप्सूल रखा है जिसमें उसके लाल किले के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वो भी टाइम कैप्सूल में नीचे रखा गया है और इसको इंदिरा गांधी ने ही रखा है। तो बस ये बहुत छोटी सी वीडियो थी, इसमें मैं बस आपको यही बता रहा था कि टाइम कैप्सूल एक्चुअली में होता क्या है। तो टाइम कैप्सूल का यही मतलब है कि किसी भी चीज़ के आर्ग्यूमेंट को एक जगह रख देना ताकि वो बहुत सालों बाद अगर खुदाई हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो तो उसमें पता चल सके कि यहाँ पे क्या चीज़ थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज दिस वीडियो। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।